ये इस तरह के कुछ सीन होते हैं पीछे, वही ये देखें ये वाला। अरे पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या देखना है यहाँ पे? एलिगेटर। एलिगेटर यार ये सरप्राइज रिवील नहीं करना था। 1 से 2 किलो मीट खाता है ये 3 दिन के अंदर, और सामने मेरा ख्याल से आप लोगों को नज़र फैमिलीज को अंदर भी आने दे रहे हैं और इन एनिमल्स के साथ एक इंटरेक्शन भी होने दे रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा डेडली जानवर होगा जो इस तरह से। ओह मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ क्या है। फर्स्ट टाइम आई एम होल्डिंग अ स्नेक और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई आज क्या सीन है? आज का सीन ये है कि संडे था, मेरी बहन है बहुत दिनों से मुझसे बोल रही थी कहीं बाहर जाना है बाहर जाना है, टाइम मिल नहीं रहा था। तो आज मैंने सोचा कि यार ठीक है उनको बाहर लेके जाता हूँ, लेकिन किसी ऐसी जगह लेके जाता हूँ जहाँ पे वो भी इंजॉय कर लें और आप लोग भी इंजॉय कर लो और मैं भी इंजॉय कर लूँ, क्योंकि आप लोगों को तो मैं वीडियो तो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो खैर भाई अब डिसाइड किया बहुत सोचने के बाद एक जगह का मुझे पता चला जो सिम्बा किंगडम के नाम से है। वो बेसिकली एक प्राइवेट फार्म हाउस है जहाँ पे उन्होंने बहुत डिफरेंट एनिमल्स रखे हुए हैं जो कि वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। वो अब क्योंकि इन्होंने मेरा ख्याल से वो पालते हैं, उनकी ब्रीडिंग भी करवाते हैं, तो वो अब वहाँ चल के देखते हैं क्या सीन है। चल के क्या देखते हैं, मैं यहाँ पहुँच ही गया हूँ तो मैंने सोचा था यहीं से ही ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। तो अब मैं आप लोगों को चल के दिखाता हूँ। मैंने सुना है लायंस हैं और आप उनको हाथ भी लगा सकते हो, कब्ज हैं और क्रोकोडाइल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी पता चली हैं। तो खैर यहाँ आ गया हूँ मैं, अब यहाँ चल के एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को साथ में चल के दिखाता हूँ कि क्या क्या सीन है यहाँ पे। तो ये सारा बर्ड सेक्शन है, तो यहाँ अंदर चल के भी एक्सपीरियंस करते हैं भाई यहाँ क्या सीन है। यहाँ एंटर होते ही आपको इस तरह की जो है ना वो खूबसूरत किस्म की बर्ड्स नज़र आएंगी। ये पैरट्स हैं, अब यहाँ बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज थी, अब जैसे ये थी, अब इन्होंने यहाँ नाम स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करे हुए थे किसी भी बर्ड के, लेकिन इस तरह की बहुत सारी यहाँ पे बर्ड्स थी। फिर पैरट्स में इनके पास ये ग्रे मकाऊ था, तो ये बहुत रेयरली हमें देखने को कहीं मिलता है। हम तो इस तरह से ये जो एक एक्सपीरियंस है ना यहाँ पर, तो ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है हर जगह। ये देखो यार माशाल्लाह, ये इस तरह के कुछ सीन हो रहे हैं पीछे, वही ये देखें ये वाला। अरे पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। ये ख्याल है कि उनको मेरी शर्ट का कलर कुछ अच्छा लगा। ये देखो ये बर्ड्स का इस तरह का कुछ सीन है, अभी मेरे कान खा रहे हैं कुछ पता नहीं पीछे क्या कर रहे हैं, समझ से बाहर है। तो ये चेक करना भाई, बट एनी वेज मैं खुद इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस तरह का कभी पहले नहीं हुआ है। और इस तरह से बैठ के कभी किसी ने आपको पैरेट्स नहीं दिखाए होंगे इससे पहले। तो भाई अब ये एक और यहाँ पे एक यूनिक किस्म की बर्ड थी, ये केज इसलिए क्योंकि ये बहुत रेयर स्पीशी है, तो ऐसा ना हो कि कहीं लड़ें आपस में और इंजर्ड हो जाए। अब आप ये वाली बर्ड भी देखें, तो इसमें यूनिक क्या है कि इनके कलर्स देखें कितने माशाल्लाह से डिफरेंट। बर्ड सेक्शन से हम बाहर आ गए हैं, अब दूसरी तरफ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आप लोगों ने क्या देखना है यहाँ पे। एलिगेटर। यार ये सरप्राइज रिवील नहीं करना था, हम जाके दिखाते बस पता कैसे चलेगा कि दो स्टूपिड लोगों के साथ में आया हूँ आज। चलिए जी आप लोग क्रोकोडाइल दिखाता हूँ। एक दफ़ा मेरे पुराने ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था जहाँ पे हम वो किसी मज़ार में थे, तो वहाँ क्रोकोडाइल्स थे। यहाँ पे चेक करते हैं किस तरह के क्रोकोडाइल्स हैं और क्या सीन है। ओके सो हियर वी हैव मार्श क्रोकोडाइल, और जिसका लाइफ स्पैन है 50 to 70 ईयर्स इन द वाइल्ड, अप टू 80 ईयर्स इन द कैप्टिविटी। तो मतलब कि जब तक ये यहाँ रहेगा तो 80 साल तक तो जिंदा रहेगा। और डाइट क्या है, 1 से 2 किलो मीट खाता है ये 3 दिन के अंदर, और सामने मेरा ख्याल साहब आप लोगों को नज़र भी आ गया होगा कि जो चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सामने से चल के आप लोगों को ये देखें, इतने करीब से कभी आपने क्रोकोडाइल देखा है? अब एक रिस्क लेने जा आ जाए। ये मुझे एक विंडो नज़र आई है, ये खामोशी से खोलेंगे और ये वाला शॉट दिखाऊंगा आपको अपनी जान पे खेल कर, सिर्फ आप लोगों के लिए ये क्लोज शॉट ले रहा हूँ। Look at this. सामने वाले को देखा, Look at the size. सामने एक पानी में भी है और एक ये भी रहा सामने। ये स्टेट ऊपर जा रही है, अब ये नहीं पता ये कहाँ लेके जा रही है हमको,
लेकिन आई एम श्योर कोई ना कोई ऐसा डेडली जानवर होगा जो उन्होंने इस तरह से कुछ सीन ओ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ क्या है कि कोई चीज़ नहीं देखी होगी। 1 2 3 ये चेक करें यार, ये देखो आयशा जी ने देखा आपने ऐसा बियर कभी? माय गुड लॉर्ड वाओ। फैमिलीज को अंदर भी आने दे रहे हैं और इन एनिमल्स के साथ एक इंटरेक्शन भी होने दे रहे हैं क्योंकि मेरा ख्याल से ये टेम है सारे। मैं आपको एक शॉट दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखें कि फैमिलीज किस तरीके से आके यहाँ पे इसको खाना वगैरह भी खिला रही हैं, जबकि अगर जंगल में हो तो आप इसके करीब मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर्स भी दूर दूर रहना चाहेंगे और कोशिश करेंगे ऐसी किसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे इस तरह के बियर्स मौजूद हों। तो हम भी ट्राई करते हैं ऐसे ही ना, चलें अंदर ट्राई करें, लेट्स डू दिस। चलो भाई हम भी ट्राई करते हैं, देखते हैं हमें ये परमिशन देता है अंदर जाने की कि नहीं देता। सैडली हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि अब उसके अंदर जाने का टाइम है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एनिमल्स के केज में विजिट करने के कुछ सर्टेन टाइमिंग्स हैं, तो अब नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई करें। और ऐसी बर्ड दिखाने वाला हूँ जो कि हम यूजली नहीं देख पाते हैं और वो हमें कुछ खास अच्छी भी नहीं लगती। ये है वो बर्ड, ज़्यादा क्लोज इंटरेक्शन जो है वो डेंजरस हो सकता है इसके साथ। ठीक है, हाँ ऐसा है। अब आयशा पे मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं हो रहा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आयशा का प्लान मुझे बचाने का नहीं फंसाने का है, कहीं मैं ऑस्ट्रिच को ऐसे करूँ फिर मेरे साथ वैसे कर दे। अब असल चीज़ जो यहाँ देखने वाली है वो है लाइन्स हैं, तो हम आए भी यहाँ लाइन्स देखने के लिए। वैसे तो आप सामने अभी देख रहे हो लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक दिखाता हूँ, अभी लाइन दिखाता हूँ। सो हियर वी हैव आवर बिग बॉय सिटिंग राइट हियर। लाइन्स जो है ना वो आपको हमेशा फैसिनेट करते हैं, ये इनकी लाइनेस भी इधर ही घूम रही हैं केज के अंदर, और आप ये देखें कि कितना फ्रेंडली माहौल है अंदर केज के। और सिर्फ ये माहौल इनके लिए नहीं है, ये फैमिलीज़ भी इसी तरीके से आके विज़िट कर सकती हैं। अब आप ये देखें सामने कि फैमिलीज अंदर बैठी हुई हैं, 1000 रुपीज़ आपने चार्जेस पे करने हैं और आप अंदर जाके लाइन्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये टेम लाइन्स हैं, ऑफकोर्स थोड़ा सा रिस्की है बट यही इस जगह की जो है ना जो स्पेशलिटी है उस जगह की यही है कि आप यहाँ पर आके ये सब चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। सेम बिल्कुल मेरी वाली कंडीशन हुई भी है जो संडे को हम सबका हाल होता है। ये बहुत रिस्की काम हो रहा है बट क्या करें। ये मैं ऐसे दिखा देता हूँ, सो ये तो भाई इसी तरीके से आप लोग भी आके यहाँ पे इन लाइंस के साथ इस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं भाई। अच्छा यहाँ इनके पास कैटल का भी बहुत अच्छा कलेक्शन है, क्योंकि मेरी इनसे पूछा तो ये बता रहे थे कि अब जो नेक्स्ट बकरा ईद आने वाली है उसके लिए ये सारी जो है वो ये रेडी हो रहे हैं। तो इसके इनके पास ये तो मीडियम साइज़ थे सारे, लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये दिखाऊँ, ये देखें ये हैं जो कि अभी से ही इतनी हैवी हैं, तो आई एम श्योर कि अगली बकरा ईद तक तो ये बिल्कुल ही ये देख चेक कर रहे हैं, तो ये अगली बकरा ईद जो कमिंग बकरा ईद है उस तक तो ये बहुत ही डबल साइज की हो जाएंगे। और ये चेक करें, नाउ लुक एट दीज। अब मुझे बताएं कि ये क्या चीज़ है भाई, बताएं। ये हाइनाज हैं, हाइनाज के बेबीज हैं ये, बड़े होके अच्छे नहीं लगते लेकिन अभी बहुत क्यूट लग रहा है। यहाँ इनके पास एक सेपरेट रेप्टाइल सेक्शन भी है, तो आप ये देखें। Have you guys ever come this close to a crocodile? हाँ ये देखें, look at this beautiful creature. अब जो मैं रेप्टाइल हाथ में उठाने वाला हूँ, ये वीडियो ये इतना पार्ट जो है वो स्पेशली दिस इज़ फॉर माई मदर, और उनको ये बात दिखाने के लिए कि भाई ये कुछ नहीं होता, छोटी छोटी चुपकुलियों से डर रही होती हैं, ये मैं स्पेशली उनको ये वीडियो भेजूँगा कि ये देखें खुद देखो। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम होल्डिंग अ स्नेक और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको करीब से दिखाओ ज़रा कि भाई ये जिंदा है। ठीक है, ओके गाइस, सो दिस वाज इट। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की वीडियो, और इस तरह की जो फार्म्स हैं वहाँ पे ज़रूर आएँ। इस तरह के आप हमको यूजली हम अगर जूज़ वगैरह जाते हैं तो हमें इस तरह के एनिमल्स नहीं देखने को मिलते, अगर मिलते भी हैं तो हम ऑफ कोर्स
इतना करीब नहीं उनसे इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो यहाँ पे एक ये एक आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आप एनिमल लवर हैं तो आप इस तरह के फार्म्स को आके विजिट करें। सिर्फ 300 रुपीज़ एंट्री फीस है यहाँ की, तो विच इज़ वेरी मिनिमल और कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो इस जगह को आके विजिट करें और अपने जो भी शौक हैं उनको पूरा करें। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन, नैप द क्रैब इज साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।